गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स वेलकम बैक इन योर मैथ्स क्लास डियर लर्नर्स इन योर मैथ्स क्लास टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट नंबर नेम्स एंड डियर लर्नर्स टुडे वी विल डू नंबर नेम्स फ्रॉम वन टू टेन डियर लर्नर्स यू आर डूइंग वर्ड्स इन इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ साउंड तो हम आज नंबर नेम्स भी साउंड के साथ करेंगे ठीक है कुछ नंबर नेम्स ऐसे हैं जो हम साउंड के साथ नहीं कर सकते लाइक वन और टू ठीक है कुछ और भी आएंगे बीच में वो हम साउंड के साथ नहीं करेंगे तो आपको क्या करना है उनको क्रैम करना है ठीक है जैसे वन है तो आप इसको कैसे लर्न करोगे ओ एन ई वन ठीक है इसको हम साउंड के साथ नहीं कर सकते ओ एन ई वन ओके लर्नर्स वन है तो आप इसको ऐसे प्रिंट में भी लिख सकते हैं और कर्सिव राइटिंग में भी लिख सकते हैं और मैम ने आपको बताया आप इसको कैसे लर्न करोगे बार बार रिपीट करके ठीक है ओ एन ई वन ओ एन ई वन ओ एन ई वन लाइक वन टू भी हम साउंड के साथ नहीं कर सकते तो इसको भी हम बार बार रिपीट करेंगे और लर्न करेंगे ठीक है राइट

टीएच की साउंड क्या क्या पढ़ी है हमने थ और द ठीक है दिस दैट में आपने पढ़ा है ना और यहां पर टीएच की साउंड क्या आएगी थ और ये मैजिकल ई वर्ड भी है है ना लास्ट में ई e आ रहा है तो ये मैजिकल ई वर्ड है और मैजिकल ई e वर्ड में हम क्या करते हैं जो लास्ट में ई e आता है उसकी साउंड को हम साइलेंट रखते हैं नहीं पढ़ते हैं और जो उसका पीछे वाला बॉवल होता है जैसे ये ई e है तो हम यहाँ पे ई e की साउंड को ई e ही पढ़ेंगे ए नहीं पढ़ेंगे राइट अब हम इसको कैसे करेंगे थ र य, थ्री, थ, र थ री राइट नाउ दिस इज फोर और फोर में क्या आ रहा है टू वॉवल्स टूगेदर तो हमने इंग्लिश में क्या पढ़ा था वेन टू वॉवल्स टूगेदर ऑन वॉक ओनली फर्स्ट वन विल टॉक आप किसी भी वर्ड में देखोगे जहां पे भी दो वॉवल्स इकट्ठे आ रहे हैं हम दूसरा जो वॉवल है उसकी साउंड को काउंट काउंट नहीं करेंगे ठीक है जो पहला वाला है उसी की साउंड को काउंट करेंगे वर्ड में और साउंड क्या काउंट करेंगे जैसे ओ की साउंड क्या है ओ बट यहाँ पे हम लेटर की जो साउंड है जैसे हम इसको ओ प्रनाउंस करते हैं तो हम इसको यहाँ पे ओ ही पढ़ेंगे ओ फोर ओ फोर राइट नाउ फाइव अगेन मेजिकल ई वर्ड जहाँ ये इसको जो भी मैजिकल ई वर्ड होता है वहां लास्ट में ई e आता है और वो उसकी साउंड क्या होती है वर्ड में साइलेंट हम उसको नहीं पढ़ते राइट right? तो जो पहला वॉवल होता है अब इसके पीछे तो कॉन्सोनेंट है अब इसके पीछे क्या है आय वॉवल तो हम इसको यहाँ पे आय ही पढ़ेंगे फ आ राइट Now, six. ये क्या है थ्री लेटर वर्ड्स विद वॉवल आई राइट हम ये कर चुके हैं अपनी इंग्लिश की क्लास में सिक्स सिक्स नाउ दिस इज वर्ड सेवन राइट तो अब हम इसको कैसे करेंगे साउंड के साथ एम सेवन सेवन राइट नाउ नंबर नेम एट डी लर्नर आपको इसको भी बार बार रिपीट करके करना है ठीक है ई आई जी एच टी एट ई आई जी एच टी एट नाइन अगेन मेजिकल ई वार्ड ठीक है और मैम हेज टोल्ड यू जो जहां भी आप मेजिकल ई वार्ड देखोगे लास्ट में ई e वाला वार्ड देखोगे तो हम उस ई e, साउंड को क्या करेंगे साइलेंट ठीक है तो इसको नाइन को हम कैसे पढ़ेंगे आई नाइन आई नाइन टेन थ्री लेटर वर्ड्स विद ट ए एम टेन डियर लर्नर्स इस तरह से आप नंबर नेम्स करोगे और आपको नंबर नेम्स लर्न भी करनी है ठीक है थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे हेड